भारतीय तेज गेंदबाज नवदीप सैनी ने दिल्ली प्रीमियर लीग में वेस्ट दिल्ली लायंस की ओर से तेज रफ्तार भरी हुई है। वह अनुशासन और लगातार अभ्यास को बेहद जरूरी मानते हैं। उन्होंने कहा कि उनका पहला मैच बहुत अच्छा रहा और सभी खिलाड़ी एक दूसरे की हौसला अफजाई कर रहे थे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के सचिव जय शाह ICC के नए चेयरमैन बन सकते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC के मौजूदा चेयरमैन ग्रेग बार्कले ने अपना कार्यकाल खत्म कर लिया है और जय शाह के चुनाव लड़ने का फैसला 27 अगस्त को घोषित होगा। अगर जय शाह चेयरमैन बने तो उनकी जगह BCCI सचिव को सौंपी जा सकती है। इसके अलावा अनुराग ठाकुर और जयेश जॉर्ज भी इस पद के लिए दावेदार हैं। भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर और मौजूदा समय के हेड कोच गौतम गंभीर ने अपनी ऑल टाइम वर्ल्ड 11 का ऐलान किया है, जिसमें उन्होंने 3-3 ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ियों को जगह दी है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका के 2 श्रीलंका, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज से 1-1 खिलाड़ियों को चुना है। दिल्ली प्रीमियर लीग में आज पुरानी दिल्ली 6 और वेस्ट दिल्ली लायंस के बीच मैच होगा। पुरानी दिल्ली 6 को अपनी तीसरी जीत की उम्मीद है, जबकि वेस्ट दिल्ली लायंस की नजरें दूसरी जीत पर है। दोनों टीमों का लाइनअप मजबूत है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम और बांग्लादेश क्रिकेट टीम के बीच आज से टेस्ट सीरीज का आगाज हुआ। यह सीरीज पाकिस्तान के लिए खास है, क्योंकि इससे वे WTC फाइनल 2025 खेलने की इच्छा रखते हैं। यदि पाकिस्तान टीम फाइनल में पहुंचती है तो उनकी टक्कर भारतीय टीम से हो सकती है। ग्रेग बार्कले ने अपने चेयरमैन पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है। उनका कार्यकाल नवंबर में समाप्त होगा। इस पद के लिए जय शाह है सबसे बड़े दावेदार। जय शाह को चेयरमैन पद के लिए चुनाव लड़ने का फैसला 27 अगस्त तक आ सकता है। यदि वह चेयरमैन बनते हैं तो वह इतिहास रचेंगे, क्योंकि वह ICC के सबसे युवा चेयरमैन बनेंगे। MS धोनी के एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें वे रांची के स्थानीय ढाबे पर दोस्तों के साथ खाने का आनंद ले रहे हैं। यही धोनी की खासियत है कि बीच बीच में उनकी एक झलक भी फैंस को देखने को मिल जाती है और उनके दिन को खुशियों से भर देती है। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान MS धोनी की गिनती दुनिया के बेस्ट विकेटकीपर्स में होती है, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई टीम के पूर्व विकेटकीपर एडम गिलक्रिस्ट ने उनसे ऊपर अपने देश के दिग्गज रॉडनी मार्श को नंबर 1 विकेटकीपर के तौर पर चुना। उन्होंने रॉडनी के बाद MS धोनी का नाम लिया। वहीं लिस्ट में श्रीलंका के कुमार संकारा का नाम भी शामिल है। ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर बैटर एडम गिलक्रिस्ट ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत करते हुए कहा कि रॉडनी मार्श उनके रोल मॉडल हैं। अफगानिस्तान के स्टार क्रिकेटर राशिद खान ने अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से दिलों को जीत लिया। उन्होंने शबगीता क्रिकेट लीग में 26 गेंदों में 53 रन की पारी खेली, लेकिन उनकी धमाकेदार पारी भी टीम को जीत नहीं दिला सकी। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने रजनीकांत की कबाली फिल्म के प्रतिष्ठित फलाइवा पोज को दोबारा बनाते हुए एक पोस्ट शेयर की। इस पोस्ट के बाद फैंस को MS धोनी की याद आ गई, जिन्होंने भी साल 2016 में रजनीकांत के जैसे सोफे में बैठकर फोटो खिंचाई थी।